दोस्तों बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और जैसे उसके पास बैठ करके दो चार बातें कन्वर्सेशन किया, अचानक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। मेरे को बहुत दुख हुआ, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया। लेकिन क्या करता, ये तो एक जमाने का शार है। फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया और कफन दफन करवाने के बाद जब वहाँ से निकला तो मैं इस जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। ये जंगल है क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती वो परेशान हो जाती है, इसलिए घर जल्दी पहुँचने के लिए मैं इसी जंगल वाले रास्ते को तय कर लिया है कि मैं इसी से सीधे निकल जाऊँगा। ये क्या है? ओह गॉड, ये तो बच्चे की आवाज है। यहाँ तो कोई दिखलाई भी नहीं दे रहा है, कोई अंदर बंदा दिखलाई नहीं दे रहा है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं देखूंगा ये आवाज कहाँ से आ रही है, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर हो रहा है। ये तो मासूम बिटिया है। नहीं बेटे, चुप हो जा बेटा, ये तो मासूम बिटिया है। वो कौन नालायक माता पिता है जो इस बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया? या कि वो कौन माँ है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस अपोध बिटिया की जान को ले लिया? अरे बिटिया तो दो दो घरों को सजाने वाली होती है, फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देते हैं? अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो ये बिटिया तो तड़प तड़प करके मर जाती। शायद ईश्वर ने इसके लिए ही मेरे को इस रास्ते से लेकर के आया है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गुजरता तो शायद ये बिटिया आज दुनिया में जिंदा ही नहीं होती। लेकिन मेरे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने दो बेटे दिए हैं, जमीन जायदाद सब कुछ तो मेरे पास है। बेटी नहीं थी, आज बेटी भी मिल गई। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा और एक दिन अगर जिंदा रहा तो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हमरो भाग्य जगाई ले, हमरो भाग्य जगाई ले पाटे कृष्ण मुररिया, लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी, हमरो घर माँ दीदी लड़का
स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात थी। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियारा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियारा धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए, धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। आए न साजने कुमार भट्टा के ठेकेदार मऊ निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम बारिश किया था। बेटा पतो सब मऊ जी उड़ाई गए, बेटा पतो सब मऊ जी उड़ाई गए, टोला पड़ोसी के लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो लौट कर क्यों नहीं आए। और ये फिर आ गए विजय कुमार ठेकेदार भट्टा के मऊ निवासी, सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया। भगवान पता नहीं क्या बात है, अभी तक कौन स्वामी जी आ गए। आप रो रही हो। हाँ मैं आ गया। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं स्वामी जी, तो फिर आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों? सीता, लेट हो जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन? जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए वहां पहुंचा, तो जैसे वो लास्ट समय मेरा ही इंतजार कर रहा था, वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया।
स्वामी जी ये तो बड़ी दुख की बात। कि क्या करता, उसका कफन दफन करवाना पड़ा, और करवाने के बाद लेकिन जब घर को मैं निकला तो जंगल वाली रास्ते से निकल पड़ा, और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। क्या अनोखी चीज? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी अनोखी चीज है जरा हमें भी बताइए। सीता अगर तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी ऐसी कौन सी बात है? और बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी, बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी, और मिली राह की बात। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी। सीता मैंने तुमको कई बार कहा कि देखो ये सब अपनी जुबान पे मत लाया करो कि तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है, तुम हमारी जिंदगी हो, हमेशा तुम मेरी आंखों से देखती रहोगी, हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, फिर ऐसा कह करके क्यों मेरे को रुला देती हो? क्या करूं स्वामी जी कुछ समझ में नहीं। प्यार
को मेरे बहने मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यार सहारा मिला जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी ताकि हर वक्त इसको जी, इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास। हाँ सीता, ये कभी आसमान में चमकने वाली एक तारा थी, दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पे आ गिरी है और सौभाग्य से मेरे हाथ लगी। मेरे घर के आंगन में आकर के इसने चांदनी बिखेर दिया है, मेरे घर को रोशन कर दिया है। इसलिए याददाश्त के लिए हम अपनी बेटी का नाम अब चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर दोनों बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो घर के सारे सदस्य अब इसको चांदनी ही कहकर के बुलाएंगे। अभी देखना कोई बच्चा आएगा तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। जी, आपकी गोद में ये मासूम बच्चा बिटिया है, देख कितनी अच्छी है। और किसकी बच्ची हो दादा लिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों कर रहा भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ की खुश हैं। बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और दादी माँ भी बहुत खुश है।
बड़ी मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बड़ी बाबूजी, अब वहाँ की बात क्या बताऊँ, समय काफी वेस्ट हो रहा है। जब वहाँ से वापस आ रहा था जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक इस बिट्टे के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आ गई। आवाज़ को सुन करके बिल्कुल आवाज कर गया, समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा, क्योंकि कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। मैंने कष्ट कर लेके देखूंगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी बिटिया तड़प रही थी। और ये मैंने फौरन इससे पहले इसके मुँह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो मर जाती है बिटिया। मतलब किसी ने जन्म देकर इस बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। बड़े बाबूजी, जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो ईश्वर से रात दिन यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे भगवान दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। क्या कहेंगे बेटा। अरे बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन बड़े बाबूजी, आज ईश्वर ने वो भी कमी पूरी कर दी है, ये हमारी बहन है। आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है बाबूजी? चांदनी। चांदनी, सब लोग चांदनी कहते। अभी देखना कोई आ, वो देखो तेरी भाभी आ गई। बाबूजी, ये बच्चे किसकी है? भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी, इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं लेकिन कोई ननन नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। बाबूजी, माँ, सब लोग चल करके भोजन कर लो। चलिए, क्योंकि बाबूजी सफर तय करके आए हैं। हाँ, बाबूजी भूखे हैं बहुत। चलिए।